सबसे पहला तो मुद्दा हमारा किसानों के अंदर जो व्यापक दुर्दशा हुई है लगातार, और मैं सिर्फ इसमें समर्थन मूल कर्जा माफी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंचाई से लेके खाद बीज बिजली पानी और जो दुर्दशा किसानों की है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि हमारा राजस्थान जो है ये कृषि प्रधान राज्य है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए वो है। दूसरा बड़ा मुद्दा नौजवानों के लिए जो वादे कर कर जो मुकर गए, रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाए, उन पढ़े लिखे नौजवानों के बेहतर भविष्य की तलाश करने के लिए और एक सकारात्मक सोच के साथ यहाँ पर निवेश करवाएं, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, ये नंबर दो रहेगा। नंबर तीसरा, जो प्रशासन चला है वसुंधरा जी का, वो पूरी तरह ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोई विभाग कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ बिना पैसे के काम नहीं होता, और ये माइन एलोकेशन का तो हमने चोरी पकड़ ली थी उनकी, लेकिन आप देखो सरकार की चाल, 650 माइन एलोकेट कर दी, 1,00,000 बीघा, 50,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा हम लोगों ने, तो आज इतना समय हो गया, कोई नेता दोषी नहीं, कोई अफसर दोषी नहीं, जो दोषी थे भी उन लोगों को दोबारा अच्छी पोस्टिंग दे दी, और सरकार ने सारी माइन कैंसिल करी। अगर चोरी नहीं करी थी तो हमारे डर और दबाव में वो माइन कैंसिल करी क्यों आपने? आज बजरी में पूरा माफिया हावी है, जो ट्रक बजरी का 1200-1300 रुपये का मिलता था आज वो 4000 रुपये का मिलता है, तो हर तरफ सरकार ने करप्शन को बढ़ावा दिया है। तो इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन साथियों सिर्फ सरकार की खामियां गिनाना हमारा काम नहीं है, हम लोग एक बेहतर व्यवस्था कायम करने के लिए एक ऑल्टरनेट गवर्नेंस मॉडल भी देंगे, लोगों एक ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र वाइज, और पूरा हमारा विजन तैयार होगा, लोगों को पता रहेगा कि झूमले झूठे वादे करने के अलावा भी एक बेहतर राजस्थान का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, उसी को प्रस्तुत कर हम जनता के बीच में जाएंगे। पायलट साहब, उपचुनाव में भी आपने ये सम्मेलन किए थे इसी तर्ज पर धुआंधार प्रचार के लिहाज से, आप तूफानी दौरों पर क्या इरादा है, एक बार फिर क्लीन स्वीप करने का है, सेम रणनीति मुख्य चुनाव में? आप देखो हर जीत जनता कराती है, हम तो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बात रखने में, मेहनत करने में, कार्यकर्ताओं में जोश भरने में, और जो जमीनी हमारे लोग हैं कांग्रेस के पुराने और नए, उन सब लोगों को एक माला में पिरोने का काम हम सबका मिलकर है, और उसमें हमको कसर नहीं छोड़ने वाले। और मैं जानता हूँ बीजेपी की चाल हमने देखी उपचुनाव में, शाम दाम दंड भेद, जो कर्नाटक में गवर्नर का मिसयूज कर सरकार बनाने की कोशिश करी, एक मैन्युफैक्चर मेजॉरिटी करने की कोशिश करी, तो वो छोड़ेंगे नहीं, उनकी आदत ही है, लेकिन जनता से ऊपर कुछ नहीं है, जनता जनार्दन होती है, उनके बीच हम जाएंगे। और मैं कम से कम बाड़मेर जिले में आज हम बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सातों की सातों सीट और भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं, और इसी प्रकार हर जिले में जाकर हम अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करें। सर 4.5 साल से घूम रहे हैं, स्वीप हो तो क्लीन होनी चाहिए, फिर आधी सीट सर दिसंबर में चुनाव होने हैं, क्या राजस्थान में कांग्रेस सभी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? देखिए ये कई बार सवाल मुझसे पूछा जाता है, राजस्थान का जो इतिहास है, बाकी राज्यों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन राजस्थान में दो पक्षीय राजनीति होती है, ये बात सच है कि अलग दल अलग नेता चुनाव हारते जीतते रहते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस का होता है, और कांग्रेस ने अपने दम पर कई बार यहाँ सरकारें बनाई हैं, और मुझे ऐसा एहसास है कि आज हम लोग अपने दम पर बीजेपी को पटने देने के लिए तैयार हैं, और एक बहुत बड़ा बहुमत देकर हम लोग जीत कर आएंगे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लेती है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, वो अलग विषय है, लेकिन राजस्थान में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई थर्ड फ्रंट सेकंड फ्रंट फोर्थ फ्रंट की कोई संभावना है, गठबंधन किसी से नहीं होगा, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, जो भाजपा के गलत नीति के खिलाफ है उन सबको साथ हम लेकर चल रहे हैं, हमारा गठबंधन कई राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस हर घर गाँव कहानी में मौजूद है, यहाँ पर हम लोग अपने दम पर कई बार सरकार बना चुके हैं और 18 में बनाने वाले हैं। सर आप 4.5 साल से घूम रहे प्रदेश में, छोटे से लेके सभी बड़े स्तर नेताओं से मिल रहे, अब ये टिकट वितरण की क्या क्या शर्तें रहेगी, क्या रहेगी आपकी ट्रांसपेरेंसी, जैसे दल बदलों को देंगे नहीं देंगे, कुछ उम्र होगी अनुभव होगा क्या? देखो क्राइटेरिया तो ऐसा पार्टी में मोटा मोटा बना रहता है, लेकिन अभी से हम लोगों ने फीडबैक लेना चालू किया है, सबसे पहली बात तो जीतने वाले की, लेकिन हाँ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 4.5 साल से जिन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस का झंडा उठाया है, सरकार को चुनौती दी है, लाठियां खाई हैं, सड़कों पर आके आंदोलन किए हैं, उन कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान कराना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं तो ये चाहूँगा जिन लोगों ने 4.5 साल तक लाठी गोली खाई है और हर दबाव को सहन किया है, व्यक्तिगत नुकसान भी कराया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को पुरस्कारित राजनीति में कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन जीतने वाला होगा पार्टी से समर्पित होगा और सबकी आम राय से हम लोग कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। सर एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी समाचार आ रहे हैं रणनीति साहब, ये क्या दोनों कौन सी पार्टी में
दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी आप किसको सुपर मानते हैं? ऐसा है, पार्टी एक ही है, पार्टी एक, भाजपा दिल्ली में है, भाजपा जयपुर में है, लेकिन वसुंधरा जी ने 4.5 साल मुख्यमंत्री रहते जो काम किया है उसको केंद्र नेतृत्व भाजपा का कितना भी आके यहाँ पर कवर फायर करने की कोशिश करे, लेकिन उनके जो 4.5 साल के जो कारनामे हैं उसका जवाब जनता मांगेगी। अमित शाह जी आए, मोदी जी आए, सारे मंत्री आके यहाँ पड़े रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लोग मन बना चुके हैं और डेरा वो कहीं भी डाल लें, लेकिन राजस्थान की जनता ने यहाँ से उनका टेंट उठाने की मन बना लिया, बीजेपी का पूरा छप्पर यहाँ से जाने वाला है। साहब आपने राजस्थान पूरे में दौरा किया है, मेरा मन ये कहता है, जो मैंने फीडबैक लिया है, लोगों के आंखों में जो जज्बा देखा है, लोगों की जो भावनाएं हमने देखी हैं, किसानों की, नौजवानों की, उसे लग मैं कह सकता हूं कि शायद अब तक हमें जितना बहुमत नहीं मिला, और मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, विनम्रता से कह रहा हूं, घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना बहुमत शायद अब तक हमें नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को, उससे ज़्यादा बहुमत इस बार कांग्रेस को मिल सकता है। सर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको, ये जिसने आपको सवाल लिख के दिया उसको, क्योंकि हम सब लोग हरीश जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, जितने नेता बैठे हैं, हम सब एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने हमें निर्देशित किया है कि जनता की आवाज़ बनकर वहाँ पर सरकार बनाकर लानी है। सब नेता, और मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूँ, मेरे से पहले कई लोग अध्यक्ष रहे पार्टी, लेकिन जितना सौभाग्यशाली मैं हूँ शायद कोई और अध्यक्ष नहीं रहा हूँ, जितना मुझे सहयोग, समर्थन, मदद, सहायता सभी नेताओं ने करी है शायद पहले किसी अध्यक्ष को नहीं करी, और हम सब लोग मिलकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तभी हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे। कोई एक व्यक्ति, एक नेता इतने बड़े दल को उठा नहीं सकता है, सबने मिलकर काम किया, सबका योगदान रहा, इसीलिए आज सब इस बात, बच्चे बच्चे की जवाब बात है कि कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, इसमें सबसे बड़ा योगदान कार्यकर्ताओं का है, और तमाम जो हमारे शीर्ष नेता हैं उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया है, समर्थन किया है, और उनके सानिध्य में पार्टी काम कर रही है, इसीलिए हम लोग इतने मजबूत हैं। सर केंद्रीय बंसल जी, मदन जी, सबने मिलकर आज आपको जानकारी कार्यक्रम आज हुआ है, ये इसकी परिकल्पना इसलिए करी गई है कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर पूरी तरह अपने आप को तैयार पाना चाहती है समय से पहले, और राजस्थान के 50,000 बूथ हैं, हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता सक्रियता से, मुस्तैदी से पहले से तैनात रहे। राहुल गांधी जी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट शक्ति, उसमें SMS कर अपने आप को चिन्हित करना, एक डेटाबेस में जुड़ना, और IT के माध्यम से पूरा नेटवर्क हमारा कायम हो राजस्थान के 33 जिलों में, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोगों को टारगेट दिया गया था मार्च अप्रैल के महीने में 1,00,000 सदस्य जोड़ने का शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से, आज हम लगभग 2.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, इसमें एक नंबर से एक ही इलेक्शन ID कार्ड SMS कर सकते हैं, तो सही तरह से कार्यकर्ता चिन्हित हों, उनको ट्रेनिंग दी जाए, और कई जगहों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियाँ की हैं, और प्रशासन सरकार के दबाव में उन गड़बड़ियों को समय पर ठीक नहीं करता है, इसलिए हमारा प्रशिक्षण भी है, हमारे वर्कर्स को हमें प्रेरणा भी देनी है। इसी प्रकार 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, अविनाश पांडे जी, विवेक बंसल जी, हमारे बाकी तीनों सचिव पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। मैंने शुरुआत इस कार्यक्रम की झालावाड़ से की थी, झालापाटन जो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा का क्षेत्र है, ये कार्यक्रम मुझे लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, वर्कर्स को जुड़ने का, कनेक्ट होने का एक बहुत बेहतरीन अवसर इसके माध्यम से मिल रहा है। ये पहला चरण होगा, इसके बाद जुलाई के महीने में संभवतः राहुल गांधी जी का दौरा बन सकता है राजस्थान, जून के महीने में वो जाएंगे मध्य प्रदेश, और चर्चा हमारी हुई है जुलाई के महीने में उनका कार्यक्रम यहाँ राजस्थान में बन सकता है। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप सब जानते हैं कि वसुंधरा जी ने जब शपथ ली थी 4.5 साल पहले तो बहुत प्रचंड बहुमत उनको मिला था, 4-4.5 साल तक लगातार माफिया का राज हुआ, स्कूल और अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में दिया गया, निवेश हुआ नहीं, रोजगार मिला नहीं, किसान आत्महत्या करते रहे, और मुख्यमंत्री जी ने अपने मतदाताओं से संवाद करना, बात करना जरूरी नहीं समझा, जनता चाहती थी कि अपने मुख्यमंत्री से मिलें, रूबरू हों, अपनी परेशानियां, दिक्कतें उनके समक्ष रख सकें, तो 4 साल तक तो जनता मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, जनता मिल नहीं पाई क्योंकि मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं थी कि किस महल में कब ताला लगाऊं, कब किस खान किसको आमंत्रण करूं, कब अपने चहेते लोगों को भ्रष्टाचार को पोषने का काम, पोषण देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया।
अब जब 4.5 साल बीत गए और तमाम उपचुनाव नगर पालिका से लेकर वार्ड मेंबर, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होता गया, अब चुनावी साल में केंद्र नेतृत्व को दिखाने के लिए कि वो कितनी सक्रिय हैं, वो जनता से मिलना चाह रही हैं, मीटिंग करना चाह रही हैं, लेकिन 4 साल वो जनता से नहीं मिली और आखिरी वर्ष में जनता उनसे मिलना नहीं चाहती। इसलिए बंद कमरे में संवाद का कार्यक्रम हो रहा है, जनसंवाद के नाम से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में बुलाई और ये बड़ी अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ किसी को कोई सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी। संवाद की कमी, विकास की कमी, ईमानदारी की कमी, गरीब, दलित, आदिवासी, महिला, सब लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है। राजस्थान देश में उन चुनिंदा राज्यों में है जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, आक्रमण और लोगों को पीड़ित किया गया है, खासकर हमारे SC ST वर्ग के लोगों को। सुरक्षा का माहौल निर्मित किया गया और मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ के समाज में जो जहर फैल रहा था उसको बढ़ाने का काम किया। बाड़मेर जिले में लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उसके तुरंत बाद जो पंचायत राज का चुनाव हुए उसमें अभूतपूर्व सफलता हम लोगों को मिली है। जैसलमेर, बाड़मेर दोनों जगह प्रमुख हमारे बने, लगभग सभी पंचायत समितियों प्रधान हमारे बने। बीजेपी समझ गई है कि मेरा जाना तय, लेकिन आखिरी साल में वो कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो हो, चाहे भाजपा का केंद्र का नेतृत्व हो, शीर्ष नेतृत्व हो, वो सब कोशिश करेंगे, लेकिन लोग मन बना चुके हैं। और मैंने देखा है जब हम दौरे करते पूरे प्रदेश में, एक ऐसा माहौल मैंने पिछले 20 साल में नहीं देखा कि एक तो होता है कि चुनाव जनता हरा दे किसी पार्टी को, लेकिन वसुंधरा जी ने जनता का जो विश्वास था उसके साथ विश्वासघात किया है। हार जीत होती रहती है, लेकिन लोगों की आस्था को तेज पहुंची, इतना बड़ा बहुमत दिया, 25 के 25 सांसद बीजेपी के जीतते गए, केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं। सारी जो घोषणा है वो कागजों के ऊपर है। VCR के माध्यम से किसानों को लूटा जा रहा है। राजस्थान की जनता के ऊपर 2014 जनवरी में 1,20,000 करोड़ रुपए का ऋण था, आज वो ऋण 2,30,000 करोड़ हो गया है। रिसर्जन राजस्थान का बहुत बड़ा नारा दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए उसके आयोजन में, लेकिन उसका निवेश जो है 5% निवेश बिका, 4,00,000 करोड़ का निवेश आएगा, उसका 5% भी नहीं आया। 25,000 बीघा 100 ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, चक्की वाले क्या बोलते हैं, सौर्य ऊर्जा से सौर्य और विंड एनर्जी से मेगावाट, 25,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की बात की, 5 कंपनियों को 36,000 बीघा जमीन दी, 1 ईंट गई है, 20,000 किलोमीटर बनाने की बात पहले बजट में मुख्यमंत्री जी ने करी थी, 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, नहीं मरम्मत नहीं, पैचवर्क नहीं हो पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के साथ जो घिनौना मजाक हो रहा है, बीजेपी के विधायक ये बोल रहे हैं कि किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार से मुआवजा लेना चाहते हैं। कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री दोनों हड़ौती इलाके से आते हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्या वहां पर हुई, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जब वहां के मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं ऋण माफी की घोषणा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा करी दबाव में आके, किसानों ने कांग्रेस से दबाव बनाया, हमने किसान न्याय पदयात्रा निकाली उनके गृह क्षेत्र में, तब जाके घोषणा करी कि हम कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन लिया है उन लोगों का 50,000 का कर्जा माफ करेंगे। मुझे गाड़ी चलाने का शौक है, आज विवेक भाई बैठे थे जो नहीं, तो अब ये है, एक बात तो भी मैं, पार्टी एक हो नहीं गई थी, पार्टी एक ही थी, और हमारे भाजपा के मित्र हैं वो कभी कभी ऐसी खबरें डलवाते हैं क्योंकि उनके पास अपना काम दिखाने को तो है नहीं, तो कांग्रेस में कहाँ वो ढूंढ सकते, कोशिश करते रहते हैं, वो कितनी कोशिश कर लें, और ये बात अशोक गहलोत जी बोल चुके हैं, सीपी जोशी जी बोल चुके हैं, जितेंद्र सिंह जी बोल चुके हैं कि आप लोग कितनी कोशिश कर लो, हम लोग जनता की ढाल बन के खड़े इकट्ठे राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हम लोग पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, कल भी एक हैं, ठीक है।